वेलकम एवरीवन। और ये जो हमारा है नेक्स्ट पार्ट रूट 3.5 जो कि ज्योमेट्रिकली अगर रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे। देखिए सिंपल, जो भी इसके अंदर कुछ भी नंबर है तो आप आराम से उतना लेंथ जो अंदर का उतना मेजर कर लीजिए 3.5, ठीक है। उसके बाद अब क्या करना है आपको, मान लीजिए ये हो गया, आपने नेम दे दिया ये भी। अब इससे ना एक वन जो है एक ज्यादा 1 सेंटीमीटर या मीटर मैं नहीं बोल रहा, जो भी वैल्यूज है उसमें 1 ऐड करके सी पॉइंट तक एक्सटेंड कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद अब देखिए क्या करना है, एसी का मिड पॉइंट लेना है। तो कैसे ले सकते हैं आप, 3.5 प्लस 1 ऐड करेंगे 4.5, उसका हाफ लगभग मिड पॉइंट हम मान लेते हैं कि ये समथिंग यहां आ गया, इसको ओ मान लेते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको आर्क लेना है यानी कि कंपास, यहां इसको ऐसे ओए को रेडियस मानना है और इसी से सेमी सर्कल ड्रॉ कर देना है, ठीक है, सिंपल। उसके बाद इस बी पॉइंट से परपेंडिकुलर बिल्कुल डाल देना है, यही जो आपका बी पॉइंट होगा यही आपका मान लीजिए नेम होता है बीडी, यानी कि बीडी इज इक्वल टू अंडर रूट 3.5। अगर इसी को आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो सेम एज इट इज उठा के ये जो है ओरिजिन इसको मान सकते हैं आप, ये वैल्यू जैसे एज इट इज रहेगा। अगर इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो जब भी चाप अप लेंगे आर्क, जैसे आर्क ली और इसको यहां से एक ड्रॉ करना शुरू किए, ये जिस पॉइंट पे भी आके मान लीजिए ई पॉइंट पे आया है, तो ये आपका है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन 3.5। इसी तरह से आप किसी भी वैल्यू का ऐसे ही करेंगे, सिंपल जितने हो सेक ज्यादा लेंगे उन दोनों का मिड पॉइंट से आर्क रेडियस मान के उसको ड्रॉ कर देंगे और फिर परपेंडिकुलर डाल के जो आएगा वैल्यू। अब इसी को सिंपल पहले जो लैंग्वेज में पहले जो करते थे वो लोग कैसे करते थे, उन्होंने जैसे रूट 2 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है, तो मान लीजिए वो लोग स्क्वायर लेते थे और इस तरह से लेते सभी की वैल्यूज 1 रखते थे। अब पाइथागोरस थ्योरम से इसको आप ओरिजिन मान लेते हैं, ठीक है। तो 1 और 1 पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस हाइपोटेन्यूज इसको परपेंडिकुलर, तो 1 + 1 का होल स्क्वायर ये हो गया आपका रूट 2। तो ये रूट 2 को रिप्रेजेंट कर दिया। अब रूट 3 को फर्दर करना है, तो रूट 3 को फर्दर करने के लिए क्या, अगर इसको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें तो ये वाला जो लाइन होगा कैसे आप करेंगे, जैसे रूट 2 हुआ उतना चाप लीजिए मतलब कंपास से उतना आर्क और इसको ड्रॉ करिए, तो ये जो आया आपका यानी कि इसको बी ले लेते हैं इसको, यही आपका रूट 2 का रिप्रेजेंटेशन। अब रूट 3 का फर्दर कैसे करना है, तो कैसे करेंगे, तो सिंपल रूट 2 है, अब इसके आगे इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, क्या करेंगे परपेंडिकुलर लाइन कुछ ऐसे हुआ और उस परपेंडिकुलर लाइन को मिला देंगे, मतलब सिंपल है वैसे रूट 3 को यहां पे समझिए कैसे, रूट 2 का ये लाइन हो गया। अब हमने ये स्क्वायर बनाया, ये आपका रूट 2 हो गया। मैंने बोला इस पॉइंट से आपको क्या लेना है परपेंडिकुलर, अब आप परपेंडिकुलर ले रहे हैं तो सिंपल ये वाला ऐसे ऐसे परपेंडिकुलर, अब उसको मिला दिया, तो ये अगर परपेंडिकुलर 90 डिग्री है तो रूट 2 का और फिर इसका वैल्यू क्या माना 1, तो ये रूट 2 का प्लस 1 जो आएगा क्या आएगा रूट 3। इसी तरीके से फर्दर आप बढ़ते जाएंगे, ठीक है ना। तो आपको बुक में ऑलरेडी दिया, फिर रूट 3 का रूट 4 जाना है, फिर यहाँ पे क्या किया परपेंडिकुलर डाला मैच किया रूट 4 यानी कि 2। इस तरह से वैल्यू आपका एक्सटेंड करता जाएगा, दूसरा कुछ नहीं है इसमें, बहुत ईजी है ये, ठीक है ना। ये प्रॉपर टाइम आपको कर लेना है, मैं रब करता हूं। ओके, अब इसके बाद आपका जो मेन टॉपिक है ये आपको क्लियर हो गया होगा जो मैंने बताया। अब इसके बाद कुछ इसमें अलग अलग जो फॉर्मूला है जो आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है ना, पता क्या क्या है, जैसे अगर मान लीजिए 3 सपोज नंबर सेम है, x का पावर 3 है इंटू x का पावर 2 है, बेस अगर सेम रहना चाहिए, बेस अगर सेम है तो पावर क्या हो जाएगा ऐड, यानी कि x का पावर हो जाएगा 3 + 2 यानी कि x का पावर 5। याद रहे बेस सेम होना चाहिए, अगर ऐसे रहता x का पावर 3 इंटू y का पावर 2 तब नहीं होता, तब ऐसे ही रहता। बेस अगर जब सेम है तभी पावर ऐड होगा मल्टीप्लाई में, अगर डिवाइड रहता x का पावर 3 बाई x का पावर 5, बेस दोनों का फिर सेम है तो माइनस हो जाएगा, यानी कि ऊपर में रखेंगे x का पावर 3 माइनस 5, लेकिन अगर बेस सेम नहीं रहता x का पावर 3 बाई x y का पावर 5 तो माइनस नहीं होता, बेस सेम रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद
x का पावर अगर m है फिर उसका पावर n है, तो जब भी पावर के ऊपर पावर होगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि x का पावर m इंटू n हो जाएगा। अब कैसे समझिए, x का पावर 3 का पावर 2, तो x का पावर 3 इंटू 2 यानी कि x का पावर 6 हो जाएगा। क्लियर, ये आपका रूल है बेसिक, ये आप ऑलरेडी पढ़े भी हुए हैं बट फिर भी ये समझ लेना है। किसी भी नंबर के ऊपर पावर अगर 0 है, x का पावर 0 तो क्या हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा 1। क्लियर, तो यही एक्सपोनेंट का वैल्यू आपको हर जगह पे यूज करके रखना है, और जितने सारे इसमें टाइप थे वो हो चुका है। ठीक है, ठीक है, तो अब ऑलरेडी आपको ये पता है कि क्या है, तो इस तरीके से होगा ये रूल आपको पता है। एक, जब बेस सेम हो, पावर हो, मल्टीप्लाई में तो ऐड हो जाएगा, डिवाइड में हो तो माइनस हो जाएगा, अगर अलग अलग है तब नहीं होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए इस तरीके का रहता है, एक्स का पावर 3 इंटू वाई का पावर 3, ठीक है, तब हम इसको क्या लिख सकते थे, एक्स वाई का पावर 3। समझिएगा दोनों में डिफरेंस है, ठीक है ना, यहाँ दोनों वेरिएबल्स अलग अलग हैं, पावर अलग अलग है, इसलिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब ये बेसिक चीज होने के बाद अब इसके अंदर रियल नंबर और नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने का एक छोटा सा पार्ट आता है, जो एक लेंस की तरह बना के आपके बुक में दिया हुआ, बेसिकली कुछ नहीं है, आप बचपन से देखते आ रहे हैं। देखिए, नंबर लाइन है, आपको बोला गया 2.315 रिप्रेजेंट करने के लिए। पहले क्या है, 2.3 तो पक्की बात है ना, ये मान लीजिए 0, 1, 2, 3, पक्की बात है कि 2 और 3 के बीच में लाई करेगा, तो 2 के बाद 0.3 है, तो 2 के बाद 0.3 यानी कि 0.123, तो ये 2.3 हो, लेकिन फिर क्या है, 1 है उसके बाद, तो इसके अंदर का फिर 0.1, फिर उसके बाद क्या है, 5, तो उसके अंदर का 0.5। तो ये बेसिक चीज है, क्योंकि हर जो है 10 के बाद आपका पॉइंट, हर जैसे 2.1 लिखा, तो 2 से 3 जाने में कितना पार्ट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 के बाद फिर 3 पे गया है, तो उसी तरीके से फिर 2.1, 2, 3 है, तो 3 का फिर उसके बाद पार्ट अगला होगा। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर जो आपको समझ में, इसमें कुछ वैसा नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अगर मैं ओवरऑल पूरे को कंक्लूड करूं तो इसमें आपका रेशनलाइजेशन हो गया, प्लस अलग अलग फैक्टर्स हो गए रेशनलाइज कैसे करने के अलावा, जो कि आपको अलग है। उसके बाद इसमें नेक्स्ट पार्ट अगर देखेंगे तो जितने सारे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है, जो फॉर्मूला वो हो गया, ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करना है वो काम आपका हो गया, फिर सारे आपको नेमिंग, इरेशनल, इरेशनल, नॉन टर्मिनेटिंग, रेकरिंग, ये आपको दिमाग में रखना है, और उसके अलावा फिर से रूट 3.5 को ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करें, पहले कैसे रिप्रेजेंट करते थे, फिर दो नंबर के बीच में इनफिनिट रेशनल नंबर होता है तो उसको कैसे फाइंड आउट करें, ये ओवरऑल पूरा का पूरा आपके इस चैप्टर में दिया हुआ है। आई होप ये चीजें क्लियर होंगी, कुछ डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।